हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिर सी बात है समाज में भी वो आता है, समाज में भी उसका हस्तक्षेप होता है काफ़ी। तो ऐसे मतलब कौन कौन से इशू हैं जो समाज निर्माण में उसके जो है सहायक करते हैं या उसके लिए हानि पहुँचाते हैं या उसके लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब क्या क्या कारण हैं या मुद्दे हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लैंगिक मुद्दे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लैंगिक मुद्दे, फिर पढ़ेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन, फिर पढ़ेंगे पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव, फिर पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय, स्त्री शिक्षा एवं स्त्री सशक्तिकरण। देखिए, इसके अंदर हमारे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लैंगिक मुद्दे से, जेंडर इशू। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जीवक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं। यानी कि लैंगिक जो असमानता है उसका आधार जो है वो स्त्री और पुरुष की बनावट नहीं है बल्कि इन दोनों के बारे में जो रूढ़ छवियाँ हैं, जो तयशुदा जो सामाजिक भूमिकाएँ हैं, वो इसके बारे में जो है वो हैं असमानता का, लैंगिक असमानता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो, एक मिनट रुकेगा। जी, लैंगिक और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की चीज़ है। यानी कि लड़कों और लड़कियों में कंपेयर कर लिया जाता है, उनके मन में बैठा दिया जाता है कि लड़का जो है बस वही बाहर का काम करेगा और जो लड़की है वही जो घर के काम करेगी। घर के काम जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करेगी वो, और घर का खाना बनाएगी, चोरी जो मतलब कि वो है चोली कट्टा, वो सब काम करेगी। घर का जितना भी सारा काम है वो कौन करेगी? वो स्त्री करेगी, और बाहर का काम जो है वो पुरुष करेगा। ये लोगों ने सोच बना रखी है अपनी। आगे, यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन को से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भाई यही काम जो है बस औरत ही करेगी घर के काम, तो ये गलत है। मर्द को भी जो है काम में हाथ बटाना चाहिए पूरा का पूरा, और औरत को भी जो है बाहर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। वैसे तो औरत तो बटाती है बाहर के कामों में, जैसे शॉपिंग करना हो गया उसमें औरत जाती हैं सब, लेकिन मर्द जो है वो घर के कामों में हाथ बहुत ही कम बटाती हैं। आपने करोड़पति देखा होगा 2017 का, तो उसके अंदर यह आया था कि एक औरत आई थी, वो टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो टीचर नहीं था। जैसे हाउस वाइफ होती है ना, इसी तरीके से वो एक हाउस हस्बैंड था। उसका काम यही था कि सुबह उठते के साथ ही नाश्ता बनाना, बीवी को स्कूल छोड़ कर आना, फिर बच्चे जो हैं उनको स्कूल छोड़ कर आना, फिर बीवी को स्कूल से लेकर आना, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आना, और जो है क्या घर का सारा काम करना उसका आदमी का काम था। और क्या था, बीवी कमा रही थी पैसा 50,000 रुपये महीना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसी तरीके से जैसे हाउस वाइफ होती हैं तो उसी तरीके से हाउस हस्बैंड भी होना चाहिए। इसके अंदर यह लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू के अंदर। श्रम का लैंगिक विभाजन, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर, यह काम के बंटवारे का वह तरीका है जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरानियों से कराती हैं। श्रम के इस तरह से के विभाजन से यह नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। एक मिनट रुकिएगा। जी, नगण्य है। दूसरा, पहले औरतों को
सार्वजनिक जीवन के बहुत से अधिकार हासिल नहीं थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं की राजनीतिक और वैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने के वाले महिला आंदोलनों ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। जितने भी नारियों के लिए आंदोलन किए गए हैं, अब चाहे वे शिक्षा से रिलेटेड हो, अब चाहे वे रोजगार से रिलेटेड हो, अब चाहे वे वोट से रिलेटेड हो, अब चाहे वो जो है सरकार से रिलेटेड हो, अब चाहे वो लोकतंत्र मतलब की जो पार्टी होती है हमारी, जैसे हम कहते हैं विधायक या फिर MP वगैरह का चुनाव है, उनसे रिलेटेड हो, तो उसके अंदर जो भी स्त्रियों के लिए हो रहा है उसे हम कहेंगे नारीवादी आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। देखिए, इन्होंने ये कहा कि पहले जो है डॉक्टर भाई कहते थे कि भाई डॉक्टर तू नहीं बनेगी, डॉक्टर तो लड़का ही बन सकता है, बस तू कहाँ मरीजों को चेक करती फिरेगी, तू जो है घर के काम कर, बस वहीं पर ही अपना उसी मिट्टी रह जाती है फिर वो औरत। लेकिन नहीं, लेकिन जब से मतलब ये कहा गया है कि भाई औरत हर काम कर, जब अब सोचिए ना आप कि औरत चांद पर तो चली गई तो क्या नहीं कर सकती फिर वो औरत, सब कुछ काम कर सकती है। अब आज के टाइम पर जो है औरत जो है वो डॉक्टर भी है, इंस्पेक्टर भी है। किरण बेदी देख लीजिए, इंडियन IPS ऑफिसर जो थी, इंडियन पुलिस सर्विस में पहली जो थी वो वुमेन ऑफिसर थी, IPS किरण बेदी। खैर, दुनिया के कुछ एक मिनट रुकिएगा, दुनिया के हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। यानी इन देशों के अंदर जो है महिलाओं की जो भागीदारी है, हर काम में भागीदारी है, उसका स्तर काफ़ी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अब भी पुरुषों से काफ़ी हद तक पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी प्रधान है, यानी कि मेन जिसे हम कहते हैं कि घर का जो हेड कौन है वो आदमी होता है, यही कहा गया कि प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी नई तरह की भेदभाव होता है और उनका दमन होता है। नेक्स्ट, महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 65% है, जबकि पुरुषों में 82%। किस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ पाती है। इसके अंदर बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, ये लास्ट का इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की के जन्म को तो पहले ही ख़त्म करने की के तरीके जो है मानसिकता से, देखिए कोई भी मतलब ये मान लीजिए कि कोई बच्चा है पैदा हुआ, भाई वो मिठाई बांट रहा है, अरे 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 मुबारक हो, मेरे घर तो लड़का हुआ है, मेरे घर तो लड़का हुआ है, लड्डुआ बांट रहा है पूरे मोहल्ले में उसने, जो काजू बर्फी बांट दी सही से। लेकिन जब वो लड़की होती है तो लड़की के लिए वो इतना नहीं करता, वो दुखी सा रहता है, यार लड़की हो गई अब क्या करें, अब इसका दहेज, अब इसकी पढ़ाई, सबसे मेन बात है इसकी जो मतलब इसको संभाल के रखना पड़ेगा एक तरीके से। बिल्कुल उनके जो दिमाग के अंदर जो सोच होती है उनकी यही होती है कि अब हम क्या करेंगे, तो बहुत पैसा खर्च करवाएगी लड़की, इसकी शादी में दहेज देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। तो ये इसके अंदर ये कहा गया है। और जो एबॉर्शन जो कि जो है कानूनन जो है अपराध है, और एबॉर्शन भी जो है करवा दे कर मतलब चेक कर एबॉर्शन जो है वो भी करवा देते हैं, चेक कर लिया पहले कि भाई लड़का है लड़की, लिंक पहले चेक कर लिया कि भाई लड़की है तो उसका जो है एबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ जो है इंडिया में कानून जो है जुर्म है, लेकिन जो है फिर भी ये लोग करते हैं और डॉक्टर भी करते हैं ये। चलिए खैर, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव, कॉजेज ऑफ जेंडर डिफरेंटेशन ऑफ प्रेजुडाइस एंड कंजर्वेटिज्म मैनर।
सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर हो, उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएँ कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत में अधिकतर घर में लड़कियों घर के काम करती हैं। इसके आधार पर कोई व्यक्ति सभी लड़कियों से यह अपेक्षा करे कि लड़कियां केवल घर के काम के लिए ही हैं, बनी हैं, तो इस प्रकार की धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। यानी कि लोगों की जो सोच है, रूढ़िबद्ध जो धारणा है, ये कहा गया है इसके अंदर कि लोगों ने यह सोच रखा है कि भाई लड़की जो है घर का काम ही करेगी, लड़की जो है वही आटा गूंदेगी, वही रोटी बनाएगी, वही जो है बच्चों का पालन पोषण करेगी। ये इसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट, यदि कोई शिक्षक विद्यालय में आए, अतिथि की खान पान संबंधी सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त करना चाहता है, तो उस यह शिक्षक को रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। देखिए मैं अपना ही एक एग्जांपल दे दूँ इसके अंदर। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उसके अंदर जो है पहले जो हमारे एक टीचर थे होम साइंस के अंदर जो है लड़कों ने भी सब्जेक्ट ले रखे थे, जिनमें मैं भी था होम साइंस में। तो फिर जो है हमसे वो मतलब हमसे कम कहते थे वो खाना वाना बनाने को, लेकिन लड़कियों को यूँ कहते थे कि लड़कियों के हाथ में जो है वो स्वाद है। मैं कहा सर जी नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी, हमारे हाथ में भी स्वाद है, खा कर देखो एक बार, आपने कभी खाया तो है नहीं, बोल रहे हो। तो यही बात है इसके अंदर भी कि इन्होंने जो सोच रखा है कि भाई लड़कियों को ही वो करना है नियुक्त खान पान के लिए। जैसे कि वही मान लीजिए मेहमान आ गया कोई, तो भाई खान पान कौन बनाया, लड़की बनाई। भाई कभी कभी होता है कि लड़के को बनाना पड़ जाता है, तो बनाना चाहिए, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। सामान्यतः हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव के कारण पूर्वाग्रह भी है। उदाहरण के लिए लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइन से ही पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। ये लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। यह आ जाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण इनमें से कौन सा है, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान है, या लड़के या लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान है, या दोनों बराबर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आपने भी ये बात देखी होगी कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, पूर्वाग्रह का उदाहरण है एक। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ही समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देने में भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। इसके पीछे यह धारणा है कि लड़कियाँ का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं होता, जो पूर्णतः गलत है। देखिए वो ये कहते हैं कि भाई लड़कियों का जो शरीर है वो खेल कूद के लिए नहीं बना, लड़कियों का जो शरीर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि मतलब नहीं खेल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां क्या नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। इसके अंदर ये कहा गया है, ये कहना है कि लड़कियों को घरेलू कामकाज के ज्ञान पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें गृहस्थी ही संभालनी है। इस प्रकार की धारणा रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। यानी ये कहा गया है रूढ़िबद्धता वो प्रदर्शित करती है जो भी लड़कियों या लड़कों में या जेंडर में आपको जेंडर बाइस करा रहा है, ठीक है, मतलब कि लैंगिक भेदभाव कर रहा है, वो रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करेगी। लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय, जेंडर डिफरेंटेशन एंड स्कूल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्कूल का जहां आपको मसला दिख गया वो तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, इसके अंदर से तो क्वेश्चन आना ही है। चलिए पढ़ते हैं आगे। विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है, जो कि शिक्षकों के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण रवैया संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः गलत है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का असंज्ञान हो, अर्थात उन्हें लिंग भेद से संबंधित विभिन्न पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता का ज्ञान हो। यानी उन्हें टीचर एक ऐसा टीचर होना चाहिए भाई जिसे जो है पता हो सब कुछ कि भाई मुझे जो है दोनों को बराबर रखना है, लड़का हो लड़की हो। ये नहीं कि लड़कियों से मैं काम करा रहा हूँ या लड़कों से मैं काम करा रहा हूँ, कुछ काम मुझे कराना है वो मैं लड़कों से करा रहा हूँ, और या फिर मैं पढ़ाई के अंदर जो ज़्यादा मतलब मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ, मान लीजिए क्लास के अंदर मैं हर बार ही जो है लड़कों को खड़ा करता हूँ, भाई तुम बताओ, हाँ भाई तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, अच्छा तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा,
मैं लड़कियों को एक भी बार मौका नहीं देता। तो यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं ये इसको दर्शाता है लैंगिक रूढ़िबद्धता को, ठीक है, लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। आगे पढ़ते हैं, शिक्षकों शिक्षकों को रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचना चाहिए एवं लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार करना चाहिए। यानी जो कि अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर का कोई सेशन चल रहा है तो उसके अंदर आप दोनों को ही आपको बराबरी देनी पड़ेगी। आप जितना समय, यानी कि आप समय देखिए कि मैंने भाई लड़के को तो दिया भाई चल भाई एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसका आंसर बताओ, बच्चे ने बता दिया, लेकिन लड़की को मैं 30 सेकंड में कहता हूँ भाई 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास जल्दी बताओ, लेकिन नहीं, मुझे सबको बराबर ही टाइम देना पड़ेगा। ये होगा मतलब समान व्यवहार करना है। शिक्षक को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेल कूद, विद्यालय समारोह आदि के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब शिक्षक को जो है सारे के सारे अवसर जो है वो उपलब्ध कराने चाहिए, पढ़ाई के भी, खेल कूद के भी, विद्यालय समारोह यानी विद्यालय जो हमारे फंक्शन होते हैं स्कूल के अंदर उनमें भी लड़के और लड़कियों का बराबर योगदान हो। आगे, समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह उदाहरण देकर छात्र छात्राओं को यह समझाएं कि लड़कियां भी घर के बाहर का कार्य करती हैं। इसके अंदर यह कहा गया कि लड़कियां भी घर के बाहर का कार्य करती हैं। जैसे कि आजकल लड़कियां सेना में, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में, देख रहे हैं आप अभी देख रहे होंगे कि जो वो है मैरी कॉम, उन्होंने जो है वो मतलब वर्ल्ड में जो है 6 बार या 7 बार आई थिंक वो गोल्ड मेडलिस्ट इसमें रही हैं मैरी कॉम, क्षेत्रों में भी अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रकार यदि घर के काम में लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर लड़कों को घर के काम करने चाहिए। इस प्रकार के विचारों के प्रसार में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है, लेकिन तू इसे दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए मैं अपने घर का ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरे घर में जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता बिल्कुल। कभी कभी जो है मेरी बहन मान लीजिए थकी हुई आ रही है कॉलेज से, अब वो आती सोगी, मैं कहूँ भाई खाना नहीं बना अभी तक, तो भाई माँ कहेगी कि भाई खाना बना दिया भाई, मैं कहूँगा जी अगर मैं हूँ तो मैं कहूँगा हाँ मेरा काम कहाँ है, खाना तो लड़कियाँ बनाती हैं जी, मैं नहीं बना रहा खाना वाना, लड़कियों का काम है क्या मुझसे, क्या तुम रसोई में रसोईया बनवाओगे मुझसे, नहीं नहीं मैं खाना बना देता हूँ जाके, क्योंकि हमें जो है बचपन से ही सिखाया गया है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी, सारे काम। अब जो है बाहर का काम है कुछ तो मेरी बहन भी करे है बाहर का काम, ठीक। आगे पढ़ें, समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन बोर्ड में पुरुषों को घर का काम करते हुए एवं बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र तथा स्त्रियों के घर के बाहर के काम का जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए तथा ऑफिस के कार्य संभालते हुए चित्र को दर्शाना चाहिए। अगर हमें ये पढ़ाना है लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए हमें जो पढ़ाना है, मान लीजिए समाज से हम कैसे दूर कर सकते हैं पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जो विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड होते हैं जहाँ पर हम नोटिस बोर्ड जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम नोटिस लगाते हैं या कोई भी एक ऐसा बोर्ड जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा उसके अंदर, ये दिखाना पड़ेगा कि पुरुषों को तो घर का काम करते हुए दिखाना है और स्त्रियों को क्या करते हुए दिखाना है कि मोटरसाइकिल चला रही है, ट्रेन चला रही है, ऑफिस के कार्य संभाल रही है, ये सारे चित्र दर्शाइए, तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई जेंडर वाइज नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर जो पुरुष भी जो है घर का काम कर रहा है और जो है और जो लड़की है वो घर के बाहर के काम कर रही है। नेक्स्ट पढ़ दें, कई बार यह देखने को मिलता है कि कोई लड़का नृत्य, संगीत अथवा फैशन में अधिक रुचि लेता है किंतु उसके शिक्षक एवं अभिभावक उसे ऐसे करियर से दूर रहकर अभियांत्रिकी पढ़ने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि नृत्य, संगीत अथवा फैशन जैसे क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित हैं। यदि रुचि एवं उत्साह को नज़रअंदाज कर किसी बालक को अन्य करियर अपनाने की सलाह दी जाती है तो इसका प्रतिकूल असर उसकी सफलता पर पड़ता है एवं उसके असफल होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि मान लीजिए लड़का है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है किस में, डांस में हो गया, नृत्य में, मान लीजिए नृत्य और संगीत में, सिंगिंग में और डांस में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है,
वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, वो बहुत ही अच्छा संगीत करता है, और जो फैशन मतलब कि फैशन वो फैशन मतलब कह सकते हैं कि नए नए फैशन वो बनाता रहता है खुद से ही। अब उसके घर वाले हो गए और टीचर हो गए या फिर कोई भी हो गए, वो जो दूरी कहेंगे बेटा, यूँ कहेंगे बेटा इससे दूर रहो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है बेटा, वो लड़कियों का काम है ये जो नाच वगैरह जो होते हैं मतलब डांस वगैरह जो करती हैं लड़कियाँ अच्छा करती हैं, ये आप नहीं कर सकते। संगीत जो करती हैं जो मतलब जो गाती हैं उनकी आवाज़ जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है लड़कियों की, बारीक हमारी तो भारी होती है, तो आप कहाँ से गाना गाओगे। तो मतलब हम ये कहकर जो है उसका रुचि ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल एंड तक कर देते हैं, तो उससे जो है बालक का ये लिखा असफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते, कई बार ये देखने को मिलता है कि लड़के लड़कियों का जीवन विज्ञान का गृह विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी जाती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को जीव विज्ञान या गृह विज्ञान के क्षेत्र में भी करियर बनाने की सलाह दी जाती है, भले ही इसकी रुचि भौतिक शास्त्र एवं गणित में क्यों ना हो। यानी कि उसकी रुचि तो है भौतिक शास्त्र और गणित में, उसको दे रहे हैं कि भाई आप जो है जीव विज्ञान पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे और जो है गृह विज्ञान होम साइंस पढ़ोगे, उसका जो है इसका मतलब है नहीं, उसको नहीं पढ़ना भाई गृह विज्ञान उसे होम साइंस नहीं पढ़नी, तो उसको तुम क्यों दिला रहे हो ये सब्जेक्ट। ये होता है, ठीक है। इस प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श पूर्णतः गलत है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने इस बात का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि गणित भौतिक शास्त्र एवं अभियांत्रिकी में लड़कियां ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, लड़कियां भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसने कहा है कि भाई ये कल्पना चावला और जो सुनीता विलियम्स हैं ये दोनों चांद पर गई थी, तो जो है इन्होंने जो है यही कहा था क्या, एग्जाम्पल है हमारे सामने, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देख लो ना लड़कियाँ, मैंने बताया था कि चांद तक चली गई तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं। और इन्होंने कहा था कि भौतिक शास्त्र और अभियांत्रिकी में लड़कियाँ भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, इन दोनों को देख लो आप, कल्पना चावला भी है और सुनीता विलियम भी है, इन दोनों को देख लो तो कर सकती हैं, जाहिर सी बात है ये भी तो लड़कियाँ ही हैं। बस हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, जैसा भी हुआ जैसा भी आपको ये चैप्टर लगा हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा जल्दी। थैंक यू सो मच।